हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के बारे में। सी लैंग्वेज में कैलकुलेटर के लिए प्रोग्राम हमें लिखना है और ये प्रोग्राम हमने लिखा भी है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये प्रोग्राम है। अब ये एक डेमो वीडियो है और इसकी फुल वीडियो जल्दी रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, देखिए ये सेव कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये कैलकुलेटर के नाम से सेव कर लेता हूँ। डॉट सी लगाना जरूरी क्योंकि सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है, तो ये डॉट सी लगा करके सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद इसको यहां से हम चलेंगे बिल्ड पर, पहले कंपाइल करवाएंगे। तो अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाना चाहिए, तो ये हो भी गया है कंपाइल। अब इसको हम करते हैं रन, तो वापस चलते हैं बिल्ड पे और यहां से रन कर देते हैं इसको। तो जैसे ही रन किया तो यहां पर क्या हुआ, क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर एनी वन ऑपरेटर लाइक प्लस। अगर आपको ऐड करना है तो प्लस लिखिए, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लिखिए, अगर आपको डिवाइड करना है तो इनटू का साइन लगाइए, ठीक है। अदरवाइज आप डिवाइड का साइन भी लगा सकते हैं। तो चलिए आइए, यहां पर हम करने वाले हैं अभी डिवाइड, तो हम यहाँ डिवाइड का साइन लगा देते हैं। तो ये डिवाइड का साइन लगा दिया। अब ये कह रहा है एंटर द वैल्यूज ऑफ ऑपरेंड नम वन एंड नम टू। नम वन और नम टू नाम से दो वेरिएबल बनाए थे, यहाँ पर 67 लिखते हैं और इसको 7 से डिवाइड कराते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे 9.571 समथिंग समथिंग रिजल्ट आ चुका है, देख सकते हैं डिवाइड कर रहा है। चलिए ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करवा लेते हैं यहाँ से, और रन करवाने के बाद अब फिर यहां पर अब हम करेंगे प्लस। तो यहां प्लस का साइन लगाता हूं, यानी ऐड करेंगे हम। तो दो नंबर्स को ऐड करते हैं, 78 ऐड करते हैं और 90.80 को ऐड करते हैं, देखते हैं ये ऐड करता है या नहीं। तो ये ऐड करके आ चुका है, देख सकते हैं 168.80 समथिंग रिजल्ट आपका आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। चलिए एक बार और हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इस बार हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहां से 67 है एंटर कर दिया हमने, दूसरा नंबर जो है 2 एंटर करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं ये मल्टीप्लाई करता है या नहीं, ठीक है। तो यहां पे गलती हो गई, एक बार फिर से इस प्रोग्राम को चलाना होगा। ये यहां से जाकर के चलाएंगे, ये चला दिया। अब यहां पर कह रहा है एंटर ऑपरेंड, तो यहां से ऑपरेंड को एंटर करेंगे पहले। अब ये जो है दो वैल्यूज मांगेगा, तो यहां पहली वैल्यू 5 एंटर करते हैं, दूसरी वैल्यू 9, तो यहां 45 आंसर आ रहा है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम हमने बनाया। इसकी वीडियो, फुल वीडियो जल्दी रिलीज होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।